इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आपका जीमेल अकाउंट हैक हो गया या फिर आप अपने जीमेल अकाउंट में लॉगिन नहीं कर रहे हैं किसी भी रीजन बस, जैसे कि फोन नंबर याद नहीं है, ओटीपी नहीं आ रहा है या फिर कोई और भी रीजन हो सकता है जिस वजह से आप अपने गूगल अकाउंट में लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, अपने जीमेल अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको एक नहीं दो नहीं बल्कि टोटल 3 ऐसे मेथड बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप इजीली पूर्वक अपने जीमेल अकाउंट को रिकवर कर सकते हैं। वैसे तो फर्स्ट या सेकेंड मेथड से ही आपका जीमेल अकाउंट रिकवर हो जाएगा, लेकिन अगर दो मेथड को फॉलो करने के बाद आपका जीमेल अकाउंट रिकवर नहीं होता है तो तीसरा तरीका जो कि लास्ट में मैं आपको बताऊंगा काफी गजब का है और ये एक रामबाण उपाय है। इस तीसरे तरीके को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका जीमेल अकाउंट 100% रिकवर हो जाएगा, चाहे आपके पास फोन नंबर हो या ना हो, चाहे आपको ओटीपी आ रही हो या ना आ रही हो, या फिर आपके पास जीमेल अकाउंट का एक्सेस हो या ना हो, तब पर भी आपका जीमेल अकाउंट रिकवर हो जाएगा। सो वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी क्योंकि आज के समय में काफी सारे यूजर्स के गूगल अकाउंट हैक हो जाते हैं जिसमें उनका पर्सनल डाटा रहता है, यूट्यूब चैनल रहता है और भी बहुत सारी चीजें सेव करके रखते हैं और जीमेल अकाउंट हैक होने के बाद एक पल में सारा डाटा गायब हो जाता है, ठीक है, और उन्हें तब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, एंड तक देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, लिंक आपको दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ग्रुप के माध्यम से आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और अपना प्रॉब्लम वहां पर रख सकते हैं, इंस्टेंटली आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपका जीमेल अकाउंट हैक हो जाता है या फिर किसी भी रीजन वश आप अपने जीमेल अकाउंट में लॉगिन नहीं कर पाते हैं और बार बार आप लोग लॉगिन करने की कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं, तो आपके सामने कुछ इस तरीके का यूजर इंटरफेस आ जाता है, वेरीफाई दैट इट इज यू, ठीक है, या फिर इसके अलावा कुछ इस तरीके का एक ऑप्शन आता है, कुडंट साइन यू इन, कुछ इस तरीके का बार बार ट्राई करने के बावजूद भी मैसेज आ जाता है और आप लोग लॉगिन नहीं कर पाते। तो दोस्तों, अभी मैं आपको अगर आपके केस में इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन देखने को मिल रहा है, कोई भी एरर देखने को मिल रहा है, तो इन 3 स्टेप को जरूर फॉलो कीजिएगा जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं। तो बात करते हैं मेथड नंबर फर्स्ट की। उसके लिए आपको करना क्या होगा, अपने मोबाइल फोन में जीमेल ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में टाइप करना है जीमेल सपोर्ट टीम इंडिया, कुछ इस तरीके से आपको टाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए, एक ऑप्शन आपको दिखेगा जीमेल कस्टमर केयर, तो आपको जीमेल कस्टमर केयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए, यहाँ पर देखिए काफी सारे स्टेप बताए गए हैं, इफ यू फॉरगॉट योर पासवर्ड, ठीक है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, ठीक है, स्टेप 5, स्टेप 6, स्टेप 7, स्टेप 8, तो ये सारे तरीके बताए गए हैं जिससे कि आप अपने जीमेल अकाउंट को रिकवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर ही एक स्टेप है, एंटर योर जीमेल आईडी, फर्स्ट स्टेप में आप इस पर क्लिक कीजिए। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर आप उस ईमेल आईडी को इनपुट कीजिए जिसको आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं या फिर लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं तो बार बार आपको वही दो तरीकों का एरर आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप उस ईमेल आईडी को यहाँ पर इनपुट कर दीजिए और नेक्स्ट कर दीजिए। ईमेल आईडी इनपुट करने के बाद अब आपको नेक्स्ट करना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे आपके सामने इस तरीके से एक पेज आ जाएगा और यहाँ पर देखिए आपको सिंपल करना क्या है, कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से आएगा और यहाँ पर आपको अपना स्क्रीन लॉक या फिर थंब वेरीफाई कर लेना है। तो जैसे ही आप थंब वेरीफाई करेंगे थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लगेगा और देखिए आपका जीमेल अकाउंट रिकवर होकर के आ जाएगा। सिंपल आपको करना क्या है, सबसे पहले अपडेट पासवर्ड का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर अब आपको एक नया पासवर्ड अपने जीमेल अकाउंट का क्रिएट करना है। यहाँ पर कोई भी एरर, कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगा, डायरेक्ट आपको जीमेल अकाउंट का पासवर्ड चेंज करने का प्रोसेस आ जाएगा, अपडेट करने का प्रोसेस आ जाएगा। अब आप यहाँ पर अपना नया जीमेल अकाउंट बना लीजिए, जो पहले वाला पासवर्ड था वो आप भूल जाइए, अब जो नया पासवर्ड आप रखना चाहते हैं सही तरीके से दोनों बॉक्स में पासवर्ड इनपुट कर दीजिए और सेव पासवर्ड पर क्लिक कर दीजिए तो आप अपने जीमेल अकाउंट में लॉग इन कर पाएंगे। यही एक फर्स्ट तरीका है जिसके जरिए आप इजी तरीके से अपने जीमेल अकाउंट को रिकवर कर सकते हैं, उसमें लॉग इन कर सकते हैं।
अब बात करते हैं सेकेंड स्टेप की। हो सकता है कुछ यूजर्स को इस स्टेप को फॉलो करने के बाद सॉल्यूशन मिल जाए, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी यूजर्स होंगे जिनको इस स्टेप को फॉलो करने के बाद सॉल्यूशन नहीं भी मिल सकता है, मतलब जीमेल अकाउंट रिकवर नहीं हो सकता है। तो उसके लिए आपको सेकेंड स्टेप फॉलो करना है। सेकेंड स्टेप में आपको अगेन क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च बार में टाइप करना है support.google.com, कुछ इस तरीके से आपको टाइप करना है और सर्च करना है। सर्च करने के बाद इस तरीके से एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर एक बॉक्स आपको सर्च वाला बॉक्स दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है रिकवर ईमेल। तो यहाँ पर जैसे ही आप टाइप करेंगे रिकवरी ईमेल, तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट ऑप्शन ही आ जाएगा आपके सामने, सेटअप ए रिकवरी फोन नंबर और ईमेल एड्रेस। आप इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा नीचे आना है, एक ऑप्शन दिखेगा आस्क योर एडमिनिस्ट्रेटर फॉर हेल्प, ठीक है। तो आपको करना क्या, सिंपल इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, अब आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। ओके, यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा रीसेट योर एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड, यहाँ से पढ़िएगा रीसेट योर एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड, आप इस पर क्लिक कीजिए। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, एक ऑप्शन आपको दिखेगा आप जब आप नीचे आइएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो एक ऑप्शन आपको दिखेगा रिकवर योर गूगल अकाउंट और साइन इन टू योर गूगल अकाउंट। तो आपको अपना जीमेल अकाउंट रिकवर करना है, तो उसके लिए आपको रिकवर योर गूगल अकाउंट पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, इस तरीके से एक पेज आ जाएगा, यहाँ पर नीचे आ जाना है, ठीक है ना। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको रिकवर योर गूगल अकाउंट और जीमेल का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। तो इस पर सिर्फ आपको सिंगल क्लिक करना है और यहाँ पर अब आपको वही जीमेल अकाउंट इनपुट करना है जिसको आप रिकवर करना चाहते हैं। ओके, उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर प्रोसेस लिया जाएगा और आपके सामने इस तरीके से एक पेज आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। अगर कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन नहीं आता है तो आप ट्राई अनदर वे पर क्लिक कर सकते हैं, लेकिन ट्राई अनदर वे पर क्लिक करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आप कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप थंब वेरीफाई कीजिए या स्क्रीन लॉक वेरीफाई कर दीजिए, बस इतना ही आपको करना है। और फिर से देखिए, आपको अपडेट पासवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक कीजिए, ठीक है। और यहाँ से आप अपने जीमेल अकाउंट का पासवर्ड चेंज कर लीजिए। ओके, जो नया पासवर्ड क्रिएट करके रखना चाहते हैं यहाँ पर इनपुट कर दीजिए और सेव पासवर्ड पर क्लिक कीजिए, तो आपका जीमेल अकाउंट वापस आ जाएगा, रिकवर हो जाएगा। तो ये था सेकेंड मेथड। इन दोनों में से किसी भी एक तरीके से अगर आपका जीमेल अकाउंट रिकवर नहीं होता है, वैसे तो हो ही जाएगा, लेकिन मान लीजिए अगर नहीं होता है, तो अब बात करेंगे तीसरे स्टेप की, जो कि रामबाण उपाय है। और इस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद 100% आपका हैक्ड जीमेल अकाउंट या फिर किसी भी रीजन वैसे आप अपने जीमेल अकाउंट में लॉग इन नहीं कर रहे हैं तो आपका रिकवर हो जाएगा, वापस आ जाएगा, आप लॉग इन कर पाओगे। तो तीसरा स्टेप में आपको क्या करना है, अच्छी तरह से समझ लीजिए। तीसरे स्टेप में आपको फिर से क्रोम ब्राउजर ही ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सर्च बार में टाइप करना है support.google.com, फिर से आपको वही टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सर्च बार में टाइप करना है सपोर्ट। तो यहाँ पर जब आप सपोर्ट टाइप करेंगे तो सबसे ऊपर ही एक ऑप्शन दिखेगा गेट सपोर्ट एंड आस्क ए गूगल एक्सपर्ट, आप इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से एक पेज आ जाएगा, यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, आपको एक ऑप्शन दिखेगा कैन नॉट साइन इन टू योर गूगल अकाउंट, आप इस पर क्लिक कीजिए। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इशू सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कई सारे इशू हैं, आप इनमें से कोई भी एक इशू सेलेक्ट कर लीजिए, यानी रीजन सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर से देखिए, अगर आपका जीमेल अकाउंट का पासवर्ड खो गया है या फिर आपका जीमेल अकाउंट हैक हो गया है, तो कोई भी रीजन है, तो यहाँ से आप अपने जीमेल अकाउंट को रिकवर करवा सकते हो। सिंपल यहाँ पर एक ऑप्शन है यू थिंक समवन एल्स इज यूजिंग योर अकाउंट, तो आपको क्या करना है, सिंपल इसको टिक लगा देना है। टिक लगाने के बाद यहाँ पर देखिए, आपको कई सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। पहले स्टेप में मैंने आपको बताया था रिकवर योर गूगल अकाउंट और जीमेल पर क्लिक करने के लिए इस पर, लेकिन अब आपको इस पर क्लिक नहीं करना है। सिंपल यहाँ पर आपको टिप्स टू कंप्लीट अकाउंट रिकवरी स्टेप्स पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, इस तरीके से एक पेज आएगा और उसके बाद कम्युनिटी का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से एक पेज आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर नीचे आना है, एक ऑप्शन दिखेगा पोस्ट ए क्वेश्चन, इस पर आपको क्लिक करना है। देखिए ये जो प्रोसेस है बिल्कुल ऑफिशियल प्रोसेस है, ऑफिशियल तरीके से आप अपने जीमेल अकाउंट को रिकवर कर सकते हैं।
अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स फिलअप करना होगा, जैसे कि सबसे पहले रिकवर माई जीमेल अकाउंट, यहाँ पर आपको टाइप करना है रिकवर जीमेल अकाउंट, ओके, मतलब शॉर्ट में आपको यहाँ पर अपना इशू बताना है, और यहाँ पर आपको डिटेल्स में बता देना है कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है इस बॉक्स में, जब आप अपने जीमेल अकाउंट को लॉगिन कर रहे हैं तो किस तरह की समस्या आपको आ रही है, पूरा डिटेल्स आपको बता देना है। अगर आपके पास नंबर नहीं है, मतलब नंबर जो आपने लिंक कर रखा था वो अब चेंज हो चुका है, या फिर पासवर्ड आप भूल चुके हैं, ओटीपी नहीं आ रही है, तो पूरा डिटेल में आपको यहाँ पर अपना प्रॉब्लम बताना है, वो भी इंग्लिश में, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर स्क्रीन शॉट भी अटैच कर लेना है। देखिए स्क्रीन शॉट का ऑप्शन दिख जाएगा, आप गैलरी से डायरेक्ट अटैच कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है, अकाउंट एक्सेस एंड रिकवरी, और अब आपको नेक्स्ट कर देना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर देखिए आपको अकाउंट रिकवरी का ऑप्शन आएगा, आप इस पर क्लिक कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप कर दीजिए। नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से पेज आ जाएगा, यहाँ पर आपको नेक्स्ट स्टेप करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना है, यानी प्लीज सेलेक्ट प्लेटफॉर्म का ऑप्शन आएगा, आपको एंड्रॉयड सेलेक्ट करना है, ठीक है, यस इंक्लूड क्लिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए नीचे आना है और यहाँ पर आपको पोस्ट का ऑप्शन दिखेगा, सिंपल आपको पोस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर होगा क्या कि जो भी आप यहाँ पर इशू आपने कंप्लीट दर्ज किया है, वह इशू गूगल के एक्सपर्ट के पास पहुंच जाएगा, और तुरंत के तुरंत 1-2 मिनट के अंदर अंदर आपके ईमेल आईडी पर एक मेल आ जाएगा, जिस ईमेल आईडी से आपने ये सारा प्रोसेस किया है उस पर एक मेल आ जाएगा कि आपका जो प्रॉब्लम है वो दर्ज रिक्वेस्ट ले लिया गया है, और 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको तुरंत रिप्लाई भी मिल जाएगा कि आपके जीमेल अकाउंट में क्या प्रॉब्लम है, और रिकवर करके आपको बता दिया जाएगा। इसके अलावा आपके जीमेल अकाउंट पर उनका जो मेल आएगा वहां पर उनसे कॉन्टैक्ट करने का ऑप्शन भी रहेगा, तो आप उस पर क्लिक करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अपने जीमेल में जाकर के, और अगर आपको प्रॉब्लम उसके बावजूद भी आ रही है तो उनको सारी चीजों बताना है कि इस तरह से मैं प्रोसेस कर रहा हूँ जो आप मुझे बता रहे हैं, उसके बावजूद भी मेरे को बार बार इस तरह की समस्या आ रही है, तो ऑफिशियल तरीके से वो लोग आपका जीमेल अकाउंट रिकवर कर देंगे। सिंपल आपको पोस्ट कर देना है और 24 आवर्स वेट करना है। तो इस तरीके से इन 3 प्रोसेस को फॉलो करके अपने हैक्ड जीमेल अकाउंट को, या फिर किसी भी रीजन बस आप अपने जीमेल अकाउंट में लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसे आप रिकवर कर पाएंगे बिल्कुल ही आसानी से। मुझे उम्मीद है दोस्त इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग अपने हैक्ड जीमेल अकाउंट को इजी तरीके से रिकवर कर पाएंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ लोगों का जीमेल अकाउंट रिकवर्ड भी हो गया होगा इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि किन किन लोगों का जीमेल अकाउंट रिकवर हो गया है। तो इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, और अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी है, सवाल है, तो नीचे कॉमेंट कर दीजिए।